और जैसे ही अंतर ध्यान होंगे अंधकार ही अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। तो गोपियां क्षमा मांगती है, प्रभु भूल हो गई, आज के बाद जीवन में कभी घमंड न आएगा। फिर सबके बीच आए, बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न किया है। गोपियों के साथ वृंदावन चले आए भगवान और पार्वती को लेके पर्वत पे चले गए भोले बाबा। इधर चीरहरण की लीला की है भगवान और गोपियों को ज्ञान भी दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां, जो महिलाएं बिल्कुल नग्न होके नहाती हैं, वस्त्रहीन होके नहाती हैं, लक्ष्मी उनके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। नारी का कोई नग्न भेष और माना जाता है ज्ञान नहीं, और जलवासी वरुण देवता का और क्या है इसमें अपमान नहीं। जो भी महिलाएं बिल्कुल नग्न होकर स्नान करती हैं, उनके घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तो इधर गोपियां क्षमा मांगती है, प्रभु भूल हो गई, आज के बाद जीवन में ऐसी भूल कभी दोबारा नहीं होगी। इधर भगवान लीलाओं में लगे हैं,